येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर्शित श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर्शित श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, किसने श्री प्रभुपाद को प्रश्न किया है, कृष्ण कहर प्रार्थना सुने, मतलब भगवान किसका प्रार्थना सुनते हैं। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, हम तो भगवान को प्रार्थना करते हैं लेकिन ठाकुर जी हमारी बातें नहीं सुनते। लेकिन यहाँ प्रश्न है, ठाकुर जी फिर किसकी बात सुनेंगे? तो इसका उत्तर देते हैं, हे कृष्ण, आमी अपना निकट थके हमार निजर कौन सुख चाहना। अगर कोई व्यक्ति ऐसे भावना रखे, बोले प्रभु जी मैं आपसे अपना सुख के लिए कोई भी चीज में नहीं चाहता, अपना इंद्रिय तृप्ति अपना इच्छा अपनी सेवा के लिए आपसे मैं कोई भी चीज प्रार्थना नहीं करता हूँ, अपना जा इच्छा ही हमारा चिरधार्य। कहता आपका जो इच्छा है वही हमारी इच्छा है, वही उसी इच्छा को ही हम अपना सर पर लेकर के हम चलेंगे, आप जैसे रहेंगे। कहते ना, जिस देश में जिस वेश में जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण, तो जिस स्थिति में ठाकुर जी हमें रखे हैं उसी स्थिति को ही सबसे बढ़िया स्थिति मानना। सब कुछ हम कहते ना, उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता। अगर उसकी इच्छा के बगैर एक पता नहीं हिलता है, अभी ठाकुर जी जो स्थिति में हमें रखे वो सबसे बढ़िया स्थिति, क्योंकि उसकी इच्छा के बगैर जब कुछ नहीं होता, यही भी उसकी इच्छा है। इसलिए ताते यदि हमारा कष्ट है ताही हमारी सुख है। अगर अगर उसमें अगर हमारी कोई कष्ट भी हो उसको क्या माननी चाहिए, वो कष्ट भी हमारे लिए आनंददायी, क्योंकि इसको इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मंगलमय अपना व्यवस्था ही कौन अमंगल ना है। हम कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, जब वो मंगल भवन अमंगल हरि अभी वो जिस अवस्था में रखे हैं हमको, कहते मंगलमय अपना व्यवस्था ही कौन अमंगल ना है। क्यों? भगवान मंगलमय है और वो जो कुछ हमारे लिए करते हैं किसके लिए करते हैं, वो अच्छे के लिए करते हैं, वो अच्छे के लिए करते हैं। एरूप भावे आंतर की श्रद्धा विदिष्ट हो लई कृष्ण तार सेवक निवेदन ग्रहण करे नतुवा ग्रहण करे ना। इसलिए जो भगवान की इच्छा नहीं, जो इच्छा को मिला करके चलते हैं, हर चीज में जो भगवत अनुभूति करते हैं ठाकुर जी उसी की इच्छा को ही है, कहते ठाकुर जी उसका निवेदन को ग्रहण करते हैं, नहीं तो ठाकुर जी किसी के निवेदन को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए हम इसी विषय पर एक हम कथा सुनाते हैं ना, बोले एक समय एक राजा और एक मंत्री था। वो मंत्री बड़ा भक्त है, वो हर बात बात में बोलता था, भैया ठाकुर को इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, ठाकुर जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ठाकुर कोई बुरा इसकी कर ही नहीं सकते हैं। एक दिन राजा और मंत्री दोनों गए जंगल में शिकार खेलने के लिए, खेलते खेलते राजा के अंगुल कट गया। राजा बोले महामंत्री मेरा अंगुल कट गया है। इतने में मंत्री ने कहा, देखो भगवान मंगलमय,
वो तो कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, जरूर इसी में भी तुम्हारे कुछ कल्याण है। राजा को तो और क्रोध आ गया, बोले जिंदगी भर के लिए मेरा अंगुल कट गया, अब तू कहते हो भगवान जो करते अच्छे के लिए करते हैं, अमंगल कभी कर ही नहीं सकते। बोले भगवान तो मंगलमय है, वो किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते, जरूर इसी में भी तुम्हारी कुछ हो मंगल होगा। बोले जो कुछ करते हैं सब, जो कुछ होता है सब मंगल के लिए। बोले और क्या? बोले अभी तेरा मंगल करता हूँ। एक सूखा कुआ था अंधकार, उसको धक्का मार कर उसमें गिरा दिया। बोले इसमें अभी तू पड़े रहो, तू बोलते हो ना भगवान जो कुछ करते अच्छे के लिए करते हैं, बुरा कभी करते नहीं। बोले इसमें पड़े रहो। उसको फेंक करके वापस आ रहा था, किसी डाकू का सरदार ने माता देवी को सामने मनोज रखा था, मेरे घर में एक बालक का जन्म हो जाएगा तो हम तेरे पास में एक नर बलि दूंगा, इंसान को बलि दूंगा। और उसके घर में किसी तरह से एक बच्चा हो ही गया, हो गया तो उसके घर में बच्चा हो गया तो इतने में बोले जितने डाकू थे, बोले जो कोई मिले पकड़ करके ले आओ। मैंने मैया को पास में प्रार्थना की थी घर में बेटा हो जाएगा तो नर बलि दूंगा, जो मिले उसको पकड़ करके लाओ। वो ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते मिल गया राजा अकेला। बोले वाह मैया तो बड़ी खुश हो जाएगी, बड़े देखने में सुंदर है। इतने में उसको पकड़ लिए, पकड़ कर जब ले आए तो भगवान अगर मंत्री मेरे साथ में रहता हम थोड़ा युद्ध कर लेते, लड़ लेते, इनका दल ज्यादा डाकुओं का भी क्या होगा। पकड़ करके ले गए। अब देखना जिसमें बलि देते हैं ना लकड़ी में, उसको गला को फंसा दिया। ये तो छटपट छटपट कर रहा था, है गया आज प्राण गया, उठाया मैं तलवार काटने के लिए। लेकिन एक नियम है, माँ को सामने वही चीज बलि चढ़ सकती है जिसका शरीर पूर्ण हो। अगर उसका शरीर अगर कुछ अंग भंग हो, है अंग में कुछ विकृति हो, वो ठाकुर मैया के पास में बलि नहीं चढ़ेगी। उनने जब ऐसे तलवार उठाया, देखा उसका हाथ से खून टपक रहा है। बोले भैया ये तो महादेवी की सेवा में लगेगी नहीं, क्यों इसका अंगुल कटा हुआ है? ऐसे व्यक्ति को अगर माँ को सामने चढ़ा हो माँ नाराज हो जाएगी। उठाया था तलवार को, तलवार को उठा करके नीचे कर दिया और डाकू का सरदार को बोला ये महादेवी की सेवा के लायक नहीं है, क्योंकि इसका अंगुल कटा हुआ है, छोड़ दो उसको। जब छोड़ दिया इतने में राजा ने देखा मंत्री जो बोल रहा था सही बोल रहा था, भगवान जो कुछ करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, भगवान कभी किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते। अगर आज मेरा अंगुल कटा नहीं हुआ तो पूरा पूरा माता को सामने बलि चढ़ जाता। वो वापस आया, आकर के वो मंत्री को अंधकार कुएं से निकाला। बोले तू जो बोल रहा था ना सही बात था। बोले क्या है? सारी बात बताई, ऐसे ऐसे हो गया। बोले देख मेरे तो विश्वास हो गया, ठाकुर मेरे लिए जो किया मंगल के लिए किया, लेकिन तब भी मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले बताओ। बोले तेरा क्या मंगल हुआ? तेरे को तो तब से अभी तक अंधकार कुआ में मैंने डाल कर रखा था, ये अंधकार कुएं में तू पड़ा रहा, तेरा क्या कल्याण हुआ? बोले कल्याण तेरा नहीं, कल्याण तो मेरा ही हुआ है। अगर तुमने ये अंधकार कुआ में मेरे को नहीं डालता दोनों तो चलते, और तेरा शरीर तो पूरा था तेरे को तो छोड़ देते, हैं तेरे शरीर तो भंग था कटा हुआ अंगुल तेरे को छोड़ देते, और मेरा शरीर पूरा था मेरे को पूरा के पूरा बलि चढ़ जाते। बोले तू सही बता रहे हो, भगवान जो करते सब चीज अच्छे के लिए करते हैं, ठाकुर को भी अमंगल किसके कर ही नहीं सकते, उनको विश्वास हो गया। इसलिए यहाँ प्रभुपाद ये बात को कह रहे हैं, भगवान किसके प्रार्थना सुनते हैं? बोले उसकी प्रार्थना सुनते हैं, भगवान मंगलमय हरि है, वो जिस स्थिति में हमारी मंगल हो वो हमें उसी स्थिति में ही रखते हैं, और उसी में ही खुश होकर क्या करो भगवान की भजन करो। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं समुक्ति पदे दाय भाव। बोले भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? बोले वही प्राप्त कर सकता है जिस स्थिति में हमें रहने पर हमारी कल्याण हो मंगल हो, ये सोच करके भगवान हमें जिस स्थिति में रखे उसी स्थिति में रह करके भगवान की भजन करो। हम कभी कभी बोलते हैं ना किसको भक्ति के लिए बोलो भजन के लिए बोलो, कोई कहता है समय कहाँ है अभी, तो क्या करो अभी तो बच्चों का शादी करवाना है, बच्चे अभी छोटे हैं, हैं घर का इतने सारे काम हैं। जब घर का सारे काम निपट जाएगा ना भजन करें। अभी तो किसका घर का काम निपटा है?
कहते स्वयं निपट जाएंगे, हम स्वयं निपट जाएंगे, लेकिन घर का काम कभी निपटेगा नहीं। अभी तक इसका काम निपटा संसार में, एक समस्या के बाद में दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे आती जाती है, इसका काम नहीं निपटता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते स्थाने ही स्थिता, जहाँ संत लोग रहते हैं उनके चरणों के पास में रह करके वह भगवान जो अवस्था में रखे उसी अवस्था को जीवन का सबसे बढ़िया अवस्था समझो। बढ़िया समझ कर क्या करो, भगवान की भजन करते रहो। आगे तब भी बढ़िया दिन आएगा जब भगवान की भजन करेंगे। इतना करते हो तुम कन्या, मेरा नाम हो रहा है, तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। ये चीज समझ करके भगवान खुद कहते हैं मेरे तरफ में एक कदम बढ़ाओ, मैं तेरे तरफ में 10 कदम बढ़ाऊ। लेकिन हम एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं होते, फिर ठाकुर 10 कदम कहाँ बढ़ाएंगे? एक कदम बढ़ाओ तब तो ठाकुर 10 कदम बढ़ाएंगे, हम एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान उसी की प्रार्थना सुनते हैं जो भगवान की इच्छा में जो अपना इच्छा को मिला देता है। एक समय कुछ लोग नदी पार कर रहे थे, उसमें एक संत भी बैठा हुआ था और नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी। जब बीच दरिया में नाव पहुंच गया ना, आंधी तूफान आ गई, इतने जोर से आंधी तूफान आई, पानी छलक छलक करके नाव भी गिर रहा था। उसमें एक संत बैठा हुआ था, बेशक पानी गिर रहा था, उसने एक जग लेकर के ना पानी को नाव में भर डाल रहा था। लोग बोले क्या पागल हो गया, बेशक पानी छलक छलक करके नाव में गिर रहा है, नाव डूबने वाले, अब तो उल्टा पानी डाल रहे हो। बोले मैं भगवान की इच्छा में इच्छा मिला रहा। बोले इच्छा में इच्छा नहीं मिला रहा मतलब क्या है? बोले ये आंधी तूफान आई किसकी इच्छा से आई? उसकी इच्छा के बगैर कितना पता नहीं हिलता है। आंधी तूफान आई उसकी इच्छा में, और जो पानी जो छलक छलक कर गिर रहा है किसकी इच्छा है? उसकी इच्छा है। जब इसकी वही इच्छा है इसलिए मैं उसको इच्छा में इच्छा मिला रहा। और थोड़ी दूर जब गए आंधी तूफान कम हो गया, कम हो गया तो उसने पानी बाहर निकालना शुरू किया। बोले देखो ऐसे पागल दुनिया में मिलेगा? जब निकालना चाहिए था भर रहा था, हैं? अभी भरना चाहिए था निकाल रहे हैं, निकाल रहे। बोले तो क्या कर रहे हो? बोले ठाकुर को इच्छा में इच्छा मिला था, उसकी इच्छा है नाव नहीं डूबना, उसकी इच्छा, इसलिए आंधी तूफान बंद हो गया ना, उसकी इच्छा मतलब नहीं है नाव डूबने का, इसलिए पानी को मैं निकालता। इसलिए यहाँ कहते हैं भगवान जो अवस्था में हमें रखे उसी अवस्था में सुखी रहो, उसी अवस्था में ठाकुर की इच्छा मानकर उसी में ही सुखी रहो। और क्या करो, भगवान की भजन करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। इसी से ही भगवान, अगर ऐसे इच्छा में अगर कोई इच्छा मिला दे ठाकुर को, बोले भगवान उसी व्यक्ति का ही प्रार्थना सुनते हैं। क्यों? ठाकुर जी देखते हैं मेरी इच्छा में ही वो अपना इच्छा को मिला करके रखे। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें दूसरा प्रश्न है, कितना टाइम हो गया? 8:30। हाँ आज बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। आज कथा को यहीं विश्राम कर लेते हैं क्योंकि आज कथा में 9 बजे जाना है, ठीक है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।